हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और ये लीजिए चाय। तो गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि आप सभी मेरे साथ हैं, और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ सारांश को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब मेरा चाय का टाइम भी लेट हो गया है। सुबह जब मैं एलोवेरा जूस पीती हूँ तो उसको आधा एक घंटा देना पड़ता है, और वैसे भी आधे घंटे से पहले मुझे टाइम लगता ही नहीं है कि चाय पी लूँ। और रोज़ रोज़ ऐसे ठंडी चाय पीने का किसी ने वो नहीं लिया होता एग्रीमेंट ना, ऐसे होता है कि हम खुद के लिए खाना लगा लेते हैं या चाय बना लेते हैं, फिर बीच में एक दो काम पड़ जाते हैं, हम वो करने बैठ जाते हैं, फिर हमारी चाय ठंडी हो जाती है और हम भी अलकस कर जाते हैं कि छोड़ यार, कौन गर्म करे इसको, ऐसी पी ले। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी, जब मेरे पास 15 मिनट होंगे बैठ के पीने के लिए, तब भी मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ सारांश चला गया है स्कूल और मनीष गए उसे छोड़ने के लिए, तो मैंने ये चाय बनाई थी। और उसके बाद ऐसा होता है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का भी तभी टाइम होता है जब आप शांति से कुछ खा रहे हों या पी रहे हों। तो मैंने भी सोचा हुआ है कि 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को अपने साथ ज़रूर बैठना चाहिए। सबके साथ भी बैठना चाहिए पर खुद के साथ भी बैठो। तो यहाँ पर आजकल मेरे माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं कि यार फेस्टिवल्स आने वाले हैं, अब बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, क्योंकि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आता है जब शाम के टाइम पर 6:30-7 बजे करीब जब मार्केट में घूमते हैं हम लोग, तो बड़ी चकाचौंध सी रहती है, लाइट्स, मतलब उसका भी अपना ही मज़ा होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरेज इशू। पता नहीं कब ये स्टोरेज इशू मेरा पीछा छोड़ेगा। सो आज है 26, मैंने काले चने उबलने के लिए रखे हुए हैं। रात को नहीं भिगाए थे क्योंकि याद ही नहीं रहे तो भिगाने कहाँ से थे। सुबह सुबह याद आया कि क्या बनाऊँ। रोज रोज अरहर मलका की दाल, मूंग की दाल, ये सब नहीं खा सकते। चने चढ़ा दिए हैं, साथ में थोड़ी सी कोई सब्जी बना दूंगी या फिर मूली के पराठे बना दूंगी, देखती हूँ अभी। तो ये जो दुपट्टा है ना, ये मेरी मम्मी ने दिया है मुझे, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बोलते हैं ना कि मम्मी की कोई भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे वैसे तो दुपट्टे ऐसे ऐसे होते हैं ना रेड रेड वाले, सारे मेरी मम्मी ने ही मुझे दिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, 3 दुपट्टे हैं मेरे पास ऐसे, मुझे बहुत पसंद है, पर ये तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ी सी स्टाइलबाजी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में जहाँ मुझे आना था। तो मुझे याद आया भाई लेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट से किचन की ओर चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम निपटा लेने चाहिए। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब मेरी वजह से मनीष को अगर थोड़ा भी लेट हो जाए, तो इसलिए मैं आ गई थी फटाफट से अपने काम करने के लिए। तो काले चने तो मैंने चढ़ाए ही हुए थे, उसके साथ मैंने अरबी की सब्जी भी ले ली थी, क्योंकि 2-4 दिन तक अरबी स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद उसके ख़राब होने का डर रहता है। और पहले मैं सोचती थी कि अरबी तो ख़राब होती नहीं है, तो यहाँ पर मैंने हाथों में लगा लिया है तेल और अब मैं अरबी को छील रही हूँ। पर पहले मैंने सोचा था थोड़ी थोड़ी करके बना लूँ अरबी, क्योंकि फिर ताज़ी ताज़ी अच्छी लगती है, पर मैंने जब देखा उसको छील करके तो 4-5 पीसेस तो उसमें ख़राब ही निकले, लाल लाल से हो रखे थे अंदर से, तो इसीलिए मैंने सारी ही बना दी, क्योंकि फिर उनको भी बचा के रखती वो भी ख़राब ही हो जाती। और ऐसा तो था नहीं कि मैं आज बना रही हूँ अरबी तो कल भी अरबी बना देती। तो अरबी छीलने के टाइम पे मूली जब कद्दूकस करके पराठे बनाते उसको निचोड़ने के टाइम पे मुझे अपने मतलब मम्मी की बड़ी याद आती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था जब मुझे कोई काम पसंद नहीं होता था तो मैं तो बोल देती थी मम्मी आप करो, सभी बोलती है ना ऐसे कि मम्मी आप कर लो, मेरे से नहीं हो रहा, तो मम्मी भी बेचारी क्या करती है हमारी करने लग जाती हैं। पर यहाँ पर तो ऐसा हो गया ना, अपना जब घर बन जाता है लड़की का, जब अपना हो जाता है तो नहीं बोला जाता कि मेरे को नहीं हो रहा। पर मूली तो मैं अभी भी मनीष को बोलती हूँ यार निचोड़ दो, क्योंकि वो मतलब जितने फोर्स से उसको निचोड़ते हैं ना तो वो फटते नहीं है फिर बाद में पराठे, पर मुझसे उतनी तेज़ वो नहीं निचोड़ी जाती है, इसलिए मैं इन्हीं को बोलती हूँ। पर अरबी वगैरह तो भाई करना ही पड़ता है, अब सब कुछ देखना पड़ता है तो कितना किसी की हेल्प लो। तो यहाँ पर मैंने सारी अरबी छील ली है और इसको मैं लंबा लंबा काटूंगी, गोल गोल भी काटते हैं पर मैं इसको लंबा लंबा काटती हूँ। और मतलब आधा किलो अरबी मैं लाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लाके कोई फ़ायदा नहीं हो, ख़राब होने का डर रहता है। और हर मतलब सब्ज़ी तो लानी होती है हर हफ्ते ताज़ी, तो ताज़ी ताज़ी ले आओ, ज़्यादा लाके क्या फ़ायदा, क्योंकि ज़्यादा मुझे ही पसंद है, मनीष को भी ज़्यादा पसंद नहीं है अरबी।
तो कम ही बनती है। और यहाँ पर अरबी को काटने से पहले नहीं धोया मैंने, इसको मैं लास्ट में धोऊंगी जब मैं छौंकने वाली होंगी, उससे 5 मिनट पहले इसको मैं धोऊंगी अच्छे से, क्योंकि ऐसा होता है मिट्टी लगी रहती है। तो यहाँ पर मैंने नमक अच्छी तरह से छिड़क दिया अरबी में, उसको साइड पे रख दिया ताकि इसका जो लिसलिसापन हो वो निकल जाए। और थोड़ी देर बाद मैंने चढ़ा दिया था तेल और टमाटर, हरी मिर्च कर ली थी कद्दूकस, और हींग भी निकाल लिया है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और ये रहा मेरा जीरा, जखिया और मेथी दाना। मेथी दाना तो ज़रूर ज़रूर डालती हूँ मैं, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनसे बाइली बोलते हैं, बाइली होती है जो चीज़ें, उसमें मेथी दाना ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाली है नमक, हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है। एक साथ बना दिया था मसाला मैंने काले चने के लिए और अरबी की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ जलना नहीं था। और यहाँ मैं अरबी को धो के अच्छे से ले आई हूँ और मैंने डाल दिया है मसाले में। तो मुझे बॉईल करके अरबी अच्छी नहीं लगती है, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। पहले मैं बॉईल करके बनाती थी क्योंकि मुझे उसको छिलने का डर रहता था कि कहीं मेरे हाथों में वो लग ना जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कितनी बार छिल लिया है, बहुत अच्छे से हो जाती है। और यहाँ मैंने बनाए हैं चावल पतीले में चावल भी मैं फर्स्ट टाइम, मतलब अभी ही मैंने बनाने स्टार्ट किए हैं, मुझे पहले नहीं आइडिया आता था कि कितना पानी डालूं। और यहाँ मेरी पक रही है अरबी और अरबी ने छोड़ दिया है तेल। तो अरबी, आलू, इन सब चीज़ों में तेल थोड़ा ज़्यादा ही मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, तभी उसमें टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हरा धनिया मैंने काट करके डाल दिया है। और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए थाली। तो ये रही ब्रेकफास्ट की थाली, तो अरबी की सब्जी है, थोड़े से चावल हैं, रोटी है, काले चने हैं और खीरा है। बाय आदू। बीन्स नहीं है, ये करेला है। देख करेला। ये बिटर गार्ड। बिटर गार्ड। हाँ वो भी है करेला। वाव, एक ये भी है करेला। वो भी है। इसको तो बच्चों ने हाथ लगा लगा के ना खराब कर दिया। और वो भी है, वो भी वहाँ पे। अच्छा एक वो भी है, ये छुपा हुआ है अंदर। ये भी, ये तो खराब कर दिया आपने हाथ लगा लगा के। बोलते हैं ना कि जब कोई चीज लग रही है उसको छेड़ना नहीं चाहिए, वो खराब हो जाती है अगर हाथ लगता है उस पे। तो खेलो, चलो दोनों खेलो, पकड़ पकड़ाई खेलो, छुपन छुपाई खेलो। क्या खेलोगे आदू? क्या गेम खेलो? गेम खेलो भाई, सारांश गेम खेलो, बुल्ली के साथ गेम खेलो। तो शाम के टाइम पे मैंने थोड़ा सा ये दूध बचा हुआ था पतीले में, तो मैंने सोचा इसी में ही मैं वो जो चॉकलेट आता है, सिरप आता है, वो डाल करके देखती हूँ बना के। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो सारांश को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कैसा है? ठीक है। टेस्टी नहीं है? टेस्टी। पियो फिर। अच्छा है? चॉकलेट जैसा? वाओ। इनको भी पिला दो। हेलो, आई एम बैक। तो आप लोग भी सोचते होंगे ना ये रोज यहीं पर आगे बैठ जाती है, सेम बैकग्राउंड। तो ऐसा मत सोचिएगा भाई, यही बेडरूम है, तो आदत रहती है ना बनी हुई, जहां पर एक सीट हमारी फिक्स हो जाती है तो हम वहीं पर ही आके बैठते हैं। तो मेरी भी यही पर सीट फिक्स है, क्योंकि यहीं पर चार्जर लगा हुआ है, तो फोन मैं चार्ज करने लगा देती हूँ, जब चाहिए होता निकाल लेती हूँ। तो होता ही है, अपनी कम्फर्टेबल कम्फर्ट जोन होता है जो हम उसी में ही रहते हैं। तो ये मेरा बेस्ट जगह है, जो मैं जहां पे बैठी रहती हूँ।
तो बज चुके हैं 7:15 और थोड़ी देर मैंने लगाए थे भजन, मतलब एक भजन चलने देता है सारांश, उसके बाद तो बिल्कुल जिद पकड़ लेता है कि भैया मेरा कार्टून लगा दो, तो कार्टून लगा के दे रखा उसको और वो बैठा हुआ आराम से। और मनीष का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि उनको कहीं जाना है, तो खाने पीने का झंझट नहीं है, वो खाकर आएंगे, मैं और सारांश हैं तो देख लेंगे। और अब आने वाले हैं नवरात्रे, पहले है अमावस, तो 28 की है शायद से अमावस। तो अमावस के दिन होता है पितरों का विसर्जन, मतलब श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, तो उसके नेक्स्ट डे से है नवरात्रि। मैंने अभी डेट चेक ही नहीं की है कि 29 से है या नहीं है, तो अगर 29 से होंगे तो उस दिन से भी नई एक वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 15 डेज श्राद्ध का रहा वैसे ही 9 दिन माता रानी का भी रहेगा। तो मतलब जब से ये चीजें शुरू होती है ना, तो एक्साइटमेंट सी शुरू हो जाती है ना कि अब बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो भले ही हम फेस्टिवल्स के टाइम पर थक जाते हैं पूरे दिन भर इधर उधर करके, पर मजा भी यही आता है, इन चीजों में ही मजा आता है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ कि मतलब हम ऐसा सोचते रहते हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मैं नवरात्रों में सोच रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूंगी इस बार नवरात्रों में। फिर मुझे ध्यान आया कि सारांश स्कूल जाने लग गया है, अब उसको स्कूल लेने जाना पड़ता है, तो स्कूटी में मुझे अभी नहीं वो है, मतलब साड़ी पहन के स्कूटी ड्राइव करना मेरे को कंफर्टेबल कह लो, मैंने कभी करी नहीं है साड़ी पहन के स्कूटी ड्राइव, तो मुझे नहीं पता अब कैसे होगा। तो जिस दिन इसकी छुट्टी रहेगी उस दिन तो मैं जरूर पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नॉर्मल मतलब जैसे शिफोन की होती है साड़ियां, हल्की फुल्की डेलीवेयर की हैं, पर वही है ना बस। तो मैं सोच रही नवरात्रों में पहनूंगी, अब देखते हैं। और नवरात्रों में फास्ट तो मैं नहीं रखती हूँ, पर दीदी रखती हैं, मेरी जो जेठानी है वो 9 दिन के पूरे फास्ट रखती हैं। तो हर जगह के अलग अलग रूल होते हैं, कोई कोई फास्ट रखता है रात को सिर्फ वो फलाहार में जो आती हैं चीजें, जैसे आलू की टिक्की हो गई या सिंगाड़े का आटा होता है, ये सब चीजें ही खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो पर मैं ऐसा करती हूँ, जिस दिन मैं रखती हूँ रात को हम लोग खोल लेते हैं, जैसे और फास्ट खोलते हैं वैसे ये वाला भी खोल लेते हैं, मैं एक फर्स्ट रखती हूँ एक लास्ट रखती हूँ, तो वो जोड़ा हो जाता है, क्योंकि और मेरे से नहीं रखे जाते हैं। और बोला भी ये जाता है अगर तुमसे हो तो तभी रखो, भगवान जी थोड़े ना बोलते हैं कि तुम फास्ट नहीं रखोगे तो ये वो, सो बस जितना करो दिल से करो, ओवर तुमसे ना हो तो मत करो, मेरा तो ये मानना है। मनीष तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं क्योंकि नहीं रख पाते हैं, उनके भूख लग जाती है उनको, तो मैं उनको कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि रखो ना रखो, उनके ऊपर है, बिल्कुल रखना है रखिए नहीं तो नहीं। तो मैं तो रात को ऐसे ही खा लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ रेसिपीज ट्राई करूंगी, जैसे कि मुझे बोला भी है कि कुछ रेसिपीज नवरात्रि की ट्राई करना, तो मैं जरूर करूंगी। और तो मुझे जिन्होंने बोला उनका नाम भी रुचि है, तो मुझे नाम लेने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि दीदी का नाम भी रुचि है ना, तो मैं सोचती हूँ कहीं दीदी सोचा अरे रुचि बोल रही है। तो बस अब नए नए फेस्टिवल्स आएंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं अपने जैसे हमारे तौर तरीके होते हैं जैसे हम वो करते हैं ना मनाते हैं उन फेस्टिवल्स को, आप सबको दिखाऊंगी, आप सबको बताना कैसे लगा कैसा नहीं, क्योंकि कहीं जगह पर सेम होते हैं हमारे जो भी तरीका होता है फेस्टिवल्स को मनाने का, पर कहीं जगह ऐसा होता है उनका अलग होता है हमारा अलग होता है, तो ये चीजें देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे हम कुछ सीखते हैं, हमसे वो कुछ सीखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली जब बन जाती है जिनको हम जानते भी नहीं थे, और अब ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी छोटी है, सब लोग इतने अच्छे हैं अपने पास हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो अब मैं चलती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। सो ठीक है फिर गाइज, मैं चलती हूँ।